हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल केस एंड टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होने वाली टॉप 5 कंफर्म बाइक के बारे में, जिनका लॉन्च होना दोस्तों बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। और ये पांचों बाइकें आपको आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये पांचों बाइकें कौन सी है जो कि जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, क्या रखा जाएगा इन बाइकों का प्राइस और कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इन पांचों बाइकों में। तो अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो आप मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देख लेना। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है किसी भी बाइक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों कावासाकी की अपकमिंग मोस्ट अवेटेड बाइक कावासाकी Z400। 2021 में कावासाकी की तरफ से आपको दो तीन बाइकें लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी। उन्हीं दो तीन बाइकों में से दोस्तों मैंने इस वीडियो में दो बाइकों को ऐड करा है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल हम बात करते हैं कावासाकी Z400 के बारे में। इस बाइक में 399cc का पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल DOSC इंजन का यूज किया गया है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 49 BHP की 10,000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 38 न्यूटन मीटर का 8,000 RPM पर। इस पावर के साथ ये बाइक 190 से 210 किलोमीटर प्रातः की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, असिस्ट और स्लीपर क्लच के साथ डुअल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए। और बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल वाला कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम एंड फ्यूल गेज जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो इसके फ्रंट पार्ट में 41mm के टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में गैस चार्ज शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है। और बाइक में लाइटनिंग दोस्तों पूरी तरह से LED लाइट्स वाली रहेगी कावासाकी की तरफ से, आपको कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें बाइक के डायमेंशन की तो आपको इसका कवर देखने को मिलेगा 173। बाइक काफी ज्यादा निम्बल होगी सिटी राइडिंग में। 140mm की आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 785mm की जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। और बाइक में दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगी 14 लीटर की और ये बाइक आपको 25 से 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं कि आखिर ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब लॉन्च होने जा रही है। दोस्तों इस बाइक की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट रखी गई है अक्टूबर से नवंबर के मंथ की और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 4,80,000 से 5,00,000 के एक्सशोरूम प्राइस पर। दोस्तों अगर आपका प्लान एक मिडिल वेट सुपर बाइक लेने का है तो आप इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर की बाइक के बारे में जो कि है जावा की तरफ से आने वाली जावा YEZDI रोड किंग। दोस्तों इंडियन टू व्हीलर मार्केट में जावा YEZDI रोड किंग का इंतजार काफी लंबे टाइम से करा जा रहा है और काफी सारे लोग इस बाइक को परचेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडियन ऑटो मार्केट में इस बाइक का क्रेज शुरू से ही काफी ज्यादा है और एक बार फिर से आपको ये क्रेज देखने को मिलेगा और भी पावरफुल इंजन के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाइक के इंजन और परफॉर्मेंस से। बाइक में 293cc का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन देखने को मिलेगा जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 26.51 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27.05 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ जावा की YEZDI रोडकिंग 140 से 150 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और बात करें बाइक के फीचर्स के बारे में तो आपको इस बाइक में 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। इस बाइक में सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों ही वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आपको जावा 42 में देखने को मिलते हैं। और कंसोल बाइक का एनालॉग प्लस डिजिटल होगा जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे बाइक से रिलेटेड। बाकी दोस्तों क्योंकि ये बाइक एक रेट्रो सेगमेंट की बाइक है तो आपको इस बाइक में कोई भी एडवांस फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करें तो बाइक के फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोक का यूज किया जाएगा और इसके रियर पार्ट में आपको ट्विन शॉक अब्सॉर्बर देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों काफी बेटर रहेंगे अगर आप इस बाइक को लॉन्ग राइड के लिए या फिर थोड़ी बहुत ऑफरोडिंग के लिए यूज करते हो। और बाइक के डिजाइन की तरफ देखा जाए तो ये बाइक पूरी तरह से बेस्ड होगी स्क्रैम्बलर बाइक पे जिसमें आपको एक अपराइट राइडिंग पोस्चर मिल जाएगा और इसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट भी मिल जाएंगे जिसकी वजह से दोस्तों जावा जानी जाती है इंडियन ऑटो मार्केट में। और बाइक में लाइटनिंग पूरी तरह से हैलोजन बल्ब वाली होगी बाइक के हर पार्ट में। और बात करें बाइक के टायर की तो आपको इसके फ्रंट पार्ट में 90x90mm का टायर मिलेगा और इसके रियर पार्ट में 120x80mm का टायर मिल जाएगा। टायर दोस्तों बाइक में ट्यूब वाले होंगे और इसमें स्पोक व्हील्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको ये बाइक 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में और हाईवे राइडिंग पर। बाकी जो बाइक के डायमेंशन एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी है उसको अभी तक रिवील नहीं करा गया है। तो चलते हैं दोस्तों सीधा बाइक के लॉन्च की तरफ और इस बाइक को किस प्राइस रेंज पर इंडियन मार्केट में लॉन्च करा जाएगा उसके बारे
बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जावा यजडी रोड किंग की टेस्ट राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको ये बाइक आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। और अगर जावा प्लान करती है इस बाइक को थोड़े टाइम बाद लॉन्च करने का, क्योंकि जावा ने फिलहाल में ही एक बाइक लॉन्च करी थी जावा 42 का 2.0 वर्जन, तो आपको ये बाइक दोस्तों 2022 के स्टार्टिंग में भी लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है। और दोस्तों लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस इंडियन ऑटो मार्केट में रखा जाएगा 1,60,000 के एक्शोरूम प्राइस पर, जो कि आपको ऑन रोड इंश्योरेंस और आरटीओ लगाकर ये बाइक 1,70,000 से 1,90,000 के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी जब ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी तो ये बाइक सीधा सीधा कॉम्पिटिशन देगी हीरो एक्सप्रेस 200 को, आरई हिमालयन को और यामाहा FZX को। तो बात करते हैं थर्ड नंबर की बाइक के बारे में, जो कि है दोस्तों रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली बाइक रॉयल एनफील्ड हंटर 350। इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी बेसब्री से करा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। ये बाइक भी काफी ज्यादा बार स्पोर्ट हो चुकी है टेस्ट राइडिंग के दौरान। अब ऐसे में आपको मैं इसके लॉन्च के बारे में बताऊं तो ये बाइक भी 3 से 4 महीने के अंदर लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। तो अगर आप आने वाले टाइम में कोई भी क्रूजर बाइक लेने के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए दोस्तों ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस बाइक का डिजाइन पूरी तरह से इंस्पायर करा गया है इंटरसेप्टर 650 से, जो कि दोस्तों लुक्स के मामले में काफी ज्यादा बेटर होगा बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों से। तो चलिए बात करते हैं बाइक के इंजन के बारे में। इस बाइक में आपको 349cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको मेटियोर 350 में देखने को मिलता है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.4 bhp की 6100 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27 न्यूटन मीटर का 4000 rpm पर। इस पावर के साथ दोस्तों ये बाइक 110 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड तक जा पाएगी। और दोस्तों बात करें बाइक के फीचर्स की, तो आपको इसमें डुअल चैनल ABS मिल जाएंगे आपकी सेफ्टी के लिए। कंसोल इसका एनालॉग प्लस डिजिटल रहने वाला है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गोज और टाइम जैसे सारे फंक्शन शो हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें एडजस्टेबल विंडस्क्रीन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और बाइक के मेन फीचर में इसमें रॉयल एनफील्ड का ट्रिपर रहने वाला है, यानी कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम आपको मिल जाएगा रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में, जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया था मेटियोर 350 में, लेकिन अब रॉयल एनफील्ड अपनी सारी बाइकों में इस फीचर को इंस्टॉल कर रही है। सस्पेंशन दोस्तों आपको इस बाइक में फ्रंट पार्ट में 41mm का टेलीस्कोपिक फोर्क मिलेगा और इसके रियर पार्ट में ट्विन ट्यूब शॉक अब्सॉर्बर रहने वाला है। और लाइटनिंग में इसके फ्रंट और रियर सेक्शन में LED लाइट्स का यूज किया गया है, लेकिन इसके टर्न सिग्नल्स में आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे। और बात करें बाइक के टायर साइज की, तो फ्रंट पार्ट का होगा 100x90mm का और रियर पार्ट का होगा 140x70mm का, जो कि होगा दोस्तों काफी वाइड रेडियल टायर। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोस्तों रहेगी बाइक में 14 लीटर की और ये बाइक आपको माइलेज दे देगी 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का सिटी राइडिंग में। और हो सकता है दोस्तों हंटर 350 आपको हाईवे राइडिंग पर 40 प्लस का माइलेज दे दे। तो चलिए बात कर लेते हैं बाइक की प्राइसिंग की। ये बाइक दोस्तों 1,70,000 से 1,80,000 के एक्शोरूम प्राइस पर अवेलेबल होगी इंडियन मार्केट में। और दोस्तों लॉन्च होने पर ये बाइक काफी अच्छा कॉम्पिटिशन देगी जावा 42 को, होंडा हाइनेस को और बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कावासाकी की तरफ से आने वाली एक और बाइक के बारे में, जो कि होने वाली है दोस्तों कावासाकी W175। इस बाइक के लॉन्च होने का इंतजार इंडियन टू व्हीलर मार्केट में काफी लंबे टाइम से और काफी ज्यादा बेसब्री से करा जा रहा है, क्योंकि इस बाइक का डिजाइन काफी ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है बाकी सेगमेंट में आने वाली क्लासिक क्रूजर बाइकों से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बाइक पूरी तरह से मल्टीपर्पज बाइक है। आप इस बाइक को किसी भी रोड पर किसी भी सिचुएशन में चला सकते हो, इस बाइक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कावासाकी W175 के बारे में। इस बाइक में 177cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर SOSC इंजन का यूज किया गया है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13 bhp की 7500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 13.2 न्यूटन मीटर का 6500 rpm पर। इस पावर के साथ ये बाइक 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स की, तो आपको इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, सिंगल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और कंसोल इसका ओल्ड स्टाइल का राउंड शेप वाला कंसोल होगा, जिसमें आपको सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। बाइक के सस्पेंशन में इसके फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में डुअल एडजस्टेबल शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया जाएगा। बाइक के डायमेंशन की दोस्तों बात करें तो 126 kg का इसका कव वेट होगा। बाइक काफी ज्यादा निम्बल और काफी ज्यादा लाइट वेट होगी सिटी राइडिंग के लिए। 780mm की इसकी सीट हाइट होगी और दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस होगी 165mm की। और आपको बाइक में 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी। तो चलिए बात कर लेते हैं कावासाकी W175 के लॉन्च के बारे में। ये बाइक दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर कावासाकी अपनी दूसरी बाइकों को इस बाइक से पहले लॉन्च करता है तो आपको इस बाइक के लॉन्च होने का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 1,70,000 के एक्शोरूम प्राइस पर। तो फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी बाइक के बारे में, जो कि है होंडा रेबल 300।
आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा कि होंडा की रेबल 300 इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च नहीं होगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होंडा ही एक ऐसी कंपनी है जिसने 2021 में 5 बाइकें लॉन्च करी है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और दोस्तों होंडा के आगे भी कई सारे प्लान्स हैं अपनी बाइकों को लेकर। ये बाइक आपको होंडा बिग विंग की तरफ से लॉन्च होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में, और लॉन्च होने पर इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा 2 लाख से 2 लाख 50 हजार के एक्शन प्राइस पर। अगर ये बाइक इस प्राइस रेंज पर लॉन्च हो जाती है तो ये बाइक सीधा सीधा कॉम्पिटिशन देगी जावा पराको और बाकी सेगमेंट में आने वाली क्रूजर बाइकों को, क्योंकि दोस्तों आपको बाइक में 286 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन मिल जाता है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 27.4 BHP की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 27 न्यूटन मीटर का। इस पावर के साथ ये बाइक 140 से 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक जा सकती है। और बात करें बाइक के फीचर्स की तो आपको दोस्तों इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिल जाएंगे, डुअल चैनल ABS रहेगा दोस्तों आप सभी की सेफ्टी के लिए, और आपको इस बाइक में राउंड शेप का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाएगा जिसमें आपको बाइक से रिलेटेड सभी बेसिक फंक्शन शो हो जाएंगे। और बाइक के सस्पेंशन में फ्रंट पार्ट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर पार्ट में ट्विन शॉक अब्सॉर्बर का यूज किया गया है जो दोस्तों आपको काफी सारी क्रूजर बाइकों में देखने को मिलता है। और बाइक की लाइटनिंग में आपको होंडा की तरफ से बाइक के हर पार्ट में LED लाइट्स का काम देखने को मिलेगा, आपको बाइक में कोई भी फर्दर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बाइक के फ्यूल टैंक में आपको 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और ये बाइक आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी सिटी राइडिंग में। और बाइक के टायर साइज की तरफ देखा जाए तो दोस्तों आपको बाइक के फ्रंट पार्ट में 130x90mm का टायर मिल जाएगा और बाइक के टायर में 150x80mm का टायर मिल जाएगा जो कि दोस्तों काफी ज्यादा वाइड होगा बाकी सेगमेंट में आने वाली सभी बाइकों से। बाकी बाइक के डायमेंशन में इस बाइक का कवर वेट होगा 191 kg का, बाइक थोड़ी सी हैवी होगी बाकी सेगमेंट में आने वाली बाइकों से। 125mm के आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी और इस बाइक की सीट हाइट होगी 690mm की जो कि बिल्कुल फेवर में रहेगी शॉर्ट राइडर के लिए, उनको बाइक को ऑपरेट करने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए फाइनली अब बात कर लेते हैं बाइक के लॉन्च के बारे में। आपको दोस्तों ये बाइक होंडा की तरफ से अक्टूबर से नवंबर के मंथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल सकती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि इस बाइक का प्राइस रखा जाएगा लॉन्च होने पर 2 लाख से 2 लाख 50 हजार के एक्शन प्राइस पर। तो आपको ये बाइक ऑन रोड इंश्योरेंस और RTO लगाकर 2 लाख 30 हजार से 2 लाख 80 हजार के प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में आने वाली टॉप 5 कंफर्म बाइक के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों मुझे नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इन पांचों बाइकों में से आपको कौन सी बाइक ज्यादा पसंद आई और आप इन पांचों बाइकों में से कौन सी बाइक का वेट करने वाले हो। बाकी अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लो आगे भी ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो बस यार दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी कल दोबारा से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। We'll be right back.